चेहरे पर बाल निकल आना, चेहरे पर दाने निकल आना, पीठ पर कमर पर दाने निकल आना, माहवारी का, पीरियड्स का, मेंसेस का या एमसी का सही समय पर ना आना, बहुत कम आना या उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना। यदि ये सब समस्याएं आपके साथ भी हैं तब ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो डे टू डे लाइफ है, उसमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है। लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सारी अनेकों बीमारियाँ आ चुकी हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, राइट। उसके अलावा महिलाएं, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि वो घर का काम करती हैं, बाहर का काम करती हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देती हैं। ऐसी ही लाइफस्टाइल से जुड़ी एक कंडीशन है जिसे हम पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। हमारे देश में 10% महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होती है। इसका जो एज ग्रुप होता है वो 14 साल से लेकर के 45 साल की उम्र तक ये पीक पर होती है। ज़्यादा ये 14 से लेकर 45 साल की उम्र में पाई जाती है, राइट। तो महिलाएं सब काम कर लेती हैं, अपना ऑफिस भी संभाल लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, बच्चे भी संभाल लेती हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं। कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं और वो उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। वो तब उस पर ध्यान देती हैं जब तक वो बड़ी बीमारी ना बन जाए, और जब वो बड़ी बीमारी बन जाती है तब वो उस पर ध्यान देती हैं। तो ऐसी ही एक कंडीशन है पीसीओडी। मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट, आज की वीडियो में हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या होती है, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर होता है। मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, क्या पीसीओडी के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको उन वीडियोज़ में दूंगी। अब हम बात करेंगे पीसीओडी क्या होती है। हमारे हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण शरीर में, हमारी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट का बन जाना पीसीओडी कहलाता है। सिस्ट पानी से भरे हुए जैसे छाले होते हैं अंडाशय में, ऐसे ही छालों का बन जाना पीसीओडी कहलाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहलाता है। आपको कोई साथ में एडिशनल सिम्टम नहीं आ रहा है, लेकिन अल्ट्रासाउंड आपने कराया तो उसमें पीसीओडी आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आ गया। अब हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर होता है। पीसीओडी, हमने अभी बात की कि पीसीओडी होता है, हमारे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ, उस कारण से जो है हमें छोटे छोटे छाले जैसे बन गए ओवरीज में, अंडाशय में, वो पीसीओडी है। अब हमारे चेहरे पर बाल निकल आए हैं, चेहरे पर दाने निकल आए हैं, पीठ पर दाने निकल आए हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि वज़न बढ़े, लेकिन वेट गेन हो रहा है, राइट। या आपको मेंसेस एबनॉर्मल हो गए हैं, पीरियड्स एबनॉर्मल हो गए हैं, पीरियड्स बहुत कम आते हैं, खुलकर नहीं आते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ों पे सूजन बनी रहती है, ये सारी समस्याएं आपके साथ आ रही हैं। आपने थायराइड की जांच कराई तो थायराइड, आपको रिपोर्ट में थायराइड आ गया, ये सारी समस्याएं आपके साथ हो रही हैं। जब आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओडी आया, पीसीओएस आया, उस कंडीशन को हम पीसीओएस कहते हैं। पीसीओडी इज़ लाइक आपको सिर्फ मेंसेस एबनॉर्मल थे, आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो पीसीओडी आ गया, अब आपको कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी आ रहे हैं जैसे चेहरे पर बाल निकल आना, दाने निकल आना, वज़न का बढ़ना, और भी अन्य सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, उस कंडीशन को हम पीसीओएस कहते हैं, राइट। हार्मोन इम्बैलेंस के साथ अब आपको बहुत सारे एसोसिएट सिम्टम्स आना शुरू हो गए, दैट इज़ पीसीओएस। तो ये डिफरेंस होता है पीसीओडी और पीसीओएस में। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।